बुलंदशहर की तहसील शिकारपुर में किसान नेताओं के नेतृत्व में किसानों ने जमकर धरना प्रदर्शन किया और इस दौरान उग्र किसानों ने बिजली विभाग के एसडीओ तहसीलदार एसडीएम को अपने बीच में बैठाया। किसानों का कहना है कि अगर किसानों की समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। एसडीएम शिकारपुर ने किसानों को आश्वासन दिया है कि उनकी हर समस्या का समाधान जल्द होगा। समस्याएं बिजली संबंधित हैं, बिजली विभाग के द्वारा किसानों का उत्पीड़न किया जा रहा है, थानाशाही बिजली विभाग के द्वारा किसानों के साथ हो रही है। कुछ समस्याएं तहसील से हैं, जैसे किसान अगर कोई छोटा मोटा बैनामा ले लेता है तो उसके दाखिल खर्च के लिए सालों साल चक्कर काटता है। किसी का बुजुर्ग किसी कारणवश खत्म हो जाता है, जो बारिशान है वो सालों साल तहसील का चक्कर काटता है परंतु उसका उसमें नाम एडजस्ट नहीं होता। ऐसी बहुत सारी समस्याएं हैं, छुट्टा पशु है जो आवारा पशु है। इधर तहसील के अंदर सरकार के उससे 15 रुपए खतौनी के उसमें निर्धारित हैं और 20 रुपए से कम यहाँ खतौनी नहीं मिलता। लाइन में खड़ा होता है, 20 रुपए देता है, जब खतौनी मिलती है। ये समस्या आपने एसडीएम साहब को बताई तो क्या क्या आश्वासन मिला है? एसडीएम साहब से हमें आश्वासन मिला है कि अभी हम जो समस्या आज हमारे लायक है उसको हम आज ही उसका निस्तारण करेंगे और जो समस्या 2 या 4 दिन जैसे आवारा पशु हैं, बिजली की जर्जर लाइन है, इसमें कुछ टाइम भी मांगा है उन्होंने, उसके हिसाब से वो टाइम के हिसाब से उन समस्याओं का समाधान करेंगे।